अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ब्लॉगर या वर्डप्रेस, कोई मैटर नहीं करता, और आपके आर्टिकल गूगल में रैंक नहीं हो रहे, आपने ऑन पेज एसईओ कर लिया, ऑफ पेज एसईओ कर लिया, बैकलिंक्स क्रिएट कर लिया, आपने कीवर्ड प्लेसमेंट कर ली, फिर भी आपका आर्टिकल रैंक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपके आर्टिकल की रेलिवेंसी कम है। मतलब जो आपका कीवर्ड है उससे मैच करता हुआ आपका आर्टिकल नहीं है, क्योंकि गूगल आज की डेट में ये सारी चीजें तो देखता ही है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, उसके साथ साथ वो रेलिवेंसी भी जरूर देखता है। रेलिवेंसी का स्कोर आपको इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करेंगे, उसे कैसे चेक करेंगे, वही आज मैं डिटेल्स में बताऊंगा। पर उससे पहले, अगर आप अभी चैनल में नए और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। जिस तरह से चीजें एडवांस होती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, गूगल भी अपने एल्गोरिदम में कुछ चेंजेस करता रहता है। रेलेवेंसी के बारे में पहले कोई भी नहीं जानता था, जस्ट आर्टिकल लिखा, कीवर्ड प्लेसमेंट करी और उसके बाद आर्टिकल रैंक हो गया। कॉम्पिटिशन बढ़ता गया तो गूगल और स्ट्रिक्ट होता गया। रेलेवेंसी एक्चुअल में होता क्या है, जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं अपने कीवर्ड से रिलेटेड, क्या वो कीवर्ड आपके पैराग्राफ के साथ, मतलब आपके आर्टिकल के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, सबसे मेन बात यही होती है। लिखने को इंसान कुछ भी लिख देता है और बीच में कीवर्ड प्लेसमेंट कर दे जिस कीवर्ड में वो रैंक कराना चाहता है। पहले ये चीजें होती थी, पर अब ऐसा नहीं होता। जैसा कीवर्ड उसी से मैच करता हुआ आर्टिकल। अब उसको कैसे चेक करेंगे, उसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालेंगे और उसके नीचे आपको अपना नेम लिखना है। आई एक्सेप्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और एक चीज का ध्यान रखना है, आप ये जो ईमेल आईडी देख रहे हैं, इस ईमेल आईडी का पासवर्ड आपने किसी भी वेबसाइट में नहीं डालना। किसी भी वेबसाइट में रजिस्टर करना होता है तो ईमेल आईडी का पासवर्ड कभी ना डाले, हमेशा कोई दूसरा पासवर्ड डाले। उसके बाद आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट मेरे पास एक टूल ओपन हो चुका है। अगर आपके केस में डायरेक्ट ये टूल ओपन नहीं हो रहा, इनकी वेबसाइट का होम पेज ओपन हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इन केस अगर आपका ये पेज ओपन हो गया, तो यहाँ पे आपको टूल्स की ऑप्शन दिख रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सेकेंड ऑप्शन दिख रही है राइटर, उसके नीचे लिखा है विजिट। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट वो वाला पेज आ जाएगा। पर आप देखेंगे यहाँ पे अभी एपीआई की शो बिल्कुल भी नहीं कर रही, इसलिए गेट स्टार्टेड पे जाना है और उसके बाद सेम रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म आ जाएगा, जैसे अभी आपको मैंने डिटेल में बताया। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास एक एपीआई की आ गई। अगर आप ऑलरेडी आर्टिकल पब्लिश कर चुके हैं तो उसे कॉपी करके भी चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। अगर आपने आर्टिकल लिखना है तो सबसे पहले उसे नोट पैड में लिखे, उसके बाद वहां से सारा आर्टिकल कॉपी करें। मेरे केस में मैं आर्टिकल लिख चुका हूँ। अगर आपने आर्टिकल नहीं लिखा तो आपने जस्ट ऐसे ही नोट पैड से सारा कॉपी करना है। आर्टिकल बहुत बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके ही कॉपी करके पेस्ट करूंगा, जिससे स्कैन होने में ज्यादा टाइम ना लगे। यहाँ से मैंने आर्टिकल को कॉपी करा और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपका जो आर्टिकल है उसका मेन कीवर्ड क्या है, फोकस कीवर्ड क्या है, उस कीवर्ड को आपने कॉपी करना है। यहाँ पे आप अपना मेन कीवर्ड पेस्ट कर देंगे। अब आप आर्टिकल भी लिख चुके हैं, कीवर्ड भी डाल चुके हैं, एपीआई की भी आ चुकी है। यहाँ लिखा है अपडेट स्कोर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। कुछ सेकंड तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। वेबसाइट के अंदर रजिस्टर नहीं करेंगे तो स्कोर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, या हो सकता है स्कोर बिल्कुल भी ना आए। फ्री में रजिस्टर करना है तो इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूर करें। यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरा स्कोर आ रहा है 99.47% आ रहा है, मतलब जितना भी मेरा ये आर्टिकल है वो मेरे कीवर्ड से मैच करता है, मतलब रिलेवेंसी स्कोर मेरा 99.47%, जो कि बहुत अच्छा है। आपका हमेशा मिनिमम स्कोर 99% होना चाहिए। अगर आपका 70 है, 60 है, 80 है, अगर 98.99% भी है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आर्टिकल को कुछ ऐसा चेंज करें जिससे आपका स्कोर 99% या फिर उससे प्लस जाए। यही एक रीजन होता है फ्रेंड्स, अगर आपकी रिलेवेंसी अच्छी जा रही है तो इट मीन्स गूगल में रैंक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर 99% से कम है तो आपको कैसे भी करके अपने आर्टिकल को एडिट करना पड़ेगा और जो आपका कीवर्ड है उससे मैच करके ही आपको अपना आर्टिकल लिखना पड़ेगा। जरूर बीच में आपने कुछ मिस करा है। जो मैंने आपको तरीका बताया वो बिल्कुल फ्री है, इसमें पेड ऑप्शन भी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें अपग्रेड के ऊपर क्लिक करके इनके पेड वर्जन में जा सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी डिसीजन लेना आपका काम है। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।